नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इंडियन कंप्यूटर चैनल में। तो दोस्तों, आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, और इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें अच्छे से वीडियो डालते रहते हैं जो कि मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, CSE, टेक्नोलॉजी से जुड़े सभी वीडियो रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप रैप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और रैप ट्रेनिंग भी कर लिए हैं तो आपको रैप का ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है। तो दोस्तों, आपको रैप का एग्जाम देने के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आपका मोजिला फायरफॉक्स आपका अपग्रेड होना चाहिए। अगर अपग्रेड नहीं होगा तो आपका एग्ज़ाम रुक जाएगा। और आपका जावा इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपका जावा इंस्टॉल नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं दोस्तों। तो आप मोजिला और जावा दोनों को अपने कंप्यूटर में ठीक से उसे इंस्टॉल कर लें ताकि आप एग्ज़ाम अच्छा से दे सकते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आप CSE पोर्टल पे लॉगिन हो जाएं। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर देखिए सर्च बार में आपको RAP रैप लिख दीजिए तो आपका यहाँ पर रैप रजिस्ट्रेशन होना ये आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा आपका VLE रैप रजिस्ट्रेशन और VLE पेमेंट, फी पेमेंट और इंश्योरेंस ट्रेनिंग और ऑनलाइन इंश्योरेंस एग्ज़ाम। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए आपको रैप रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। अगर आपने रैप रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए हैं, तो आप वहां से रजिस्ट्रेशन करने का वीडियो देख ले। और एक इंश्योरेंस का ट्रेनिंग, इसका वीडियो का लिंक नीचे डाले हैं ताकि उससे आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, उसके बाद आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपके पास टाइम है मंडे से सैटरडे तक का टाइम है। संडे को ये एग्ज़ाम नहीं होगा। और एग्ज़ाम का टाइम है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। और ये एग्ज़ाम 1 घंटे का होता है। इस बीच आप अपने कंप्यूटर को छोड़ के कहीं भी नहीं जाइएगा, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको ऑनलाइन इंश्योरेंस एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ डालना है। देखिए, CSE ID यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आप रजिस्ट्रेशन किए हैं उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ डालना है। उसके बाद देखिए कैप्चा, यहाँ पर कैप्चा देखिए यहाँ पर टाइप करना। देखिए H7U260 ये कैप्चा है, ये इसको आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो दोस्तों, एग्ज़ाम लिखने से पहले आपको अपने आधार कार्ड अपने पास तैयार रखना है ताकि जब आपका कैमरा ऑन हो जाएगा तो आप उस आधार कार्ड को आप कैमरा के सामने उसको दिखा सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर CSE ID, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैप्चा कोड यहाँ पर डालते हैं और सबमिट करते हैं तो आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ने लगेगा। इस प्रकार का आपका आ जाएगा दोस्तों, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा
उसके बाद आप कैमरे की नज़र में रहेंगे, फिर देखिए आप अपना फ़ोटो, जब यहाँ पर देखिए आपका फ़ोटो यहाँ पर कैमरा ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर आपका फ़ोटो दिखाया जाएगा। अगर आपका फ़ोटो यहाँ पर सही आ जाएगा तो आप यहाँ पर कैप्चर में क्लिक कर दें और नेक्स्ट बटन दबा दें। उसके बाद नेक्स्ट बटन दबाते ही आपका देखिए इस प्रकार का आएगा, आपको यहाँ पर अपना अपना आधार कार्ड दिखाना है। ये आधार कार्ड को हमने इसको वाइट कर दिया है ताकि किसी का पर्सनल डिटेल कोई नहीं जाने। तो दोस्तों आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड कैमरा के सामने इस प्रकार रखें कि आपका आधार कार्ड को कैमरा के द्वारा साफ साफ पढ़ा जा सके। अब जैसे ही आपका यहाँ पर साफ दिखने लगेगा आधार कार्ड तो उस समय आप यहाँ पर नीचे कैप्चर पे क्लिक कर दें। कैप्चर पे क्लिक करते ही आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का आपका विंडो में होने लगेगा। तो इसमें आपको 5 मिनट का टाइम मिलता है जो आपको तैयार किया जाता है एग्ज़ाम के लिए। जैसे ही आपका 5 मिनट आपका समाप्त होगा वैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी भी अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जितने भी वीडियो होते हैं नए नए वीडियो वो आपके पास भेजते रहेंगे। तो दोस्तों इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे ही आपका यहाँ पर 5 मिनट होता है दोस्तों तो आप एग्ज़ाम के लिए शुरू हो जाता है। देखिए इस प्रकार का आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेशन 1। तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन है। उसके बाद आपको यहाँ क्वेश्चन है और इधर चॉइस ऑप्शन, आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर क्वेश्चन है, इधर ऑप्शन चूज करना है, आपको एक ऑप्शन कोई भी चीज़ चुनना है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद यहाँ से आप किसी को एक ऑप्शन चुन के इसका उत्तर आप बता सकते हैं। और ऊपर में देखिए यहाँ पर आपका टाइम यहाँ पर फिट हो गया है। देखिए आपको 59 मिनट का टाइम है, यानी कि 1 घंटे का टाइम है। इसमें आपको 1 घंटे में 100 सवाल का उत्तर दे देना है। यहाँ पर टाइम आप देखते रहिए और यहाँ पर आपका कितना क्वेश्चन आते जा रहा है वो सब देखते रहिए और एग्ज़ाम देते रहिए। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर चारों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको चुन लीजिए, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करते ही आपका दूसरा सवाल आ जाएगा। इस प्रकार आप देखिए सारा सवाल आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी तक यहाँ पर 51 क्वेश्चन देखिए हरा कलर में दिखाया जा रहा है कि आपका 51 क्वेश्चन आप अभी तक किए हैं और 49 क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है। और ऊपर यहाँ पर टाइम दिखाएगा कि आपका देखिए 30 मिनट हो चुका है। इस प्रकार आप एग्ज़ाम देते रहिए, सवाल आते रहेंगे, सवाल जाते रहेंगे और जैसे ही आप लास्ट सवाल तक पहुंचेंगे यहाँ पर नेक्स्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप लास्ट सवाल पे पहुंचेंगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 99 नंबर, देखिए 99 नंबर का सवाल पे आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि आपका 1 सवाल आपका बचा हुआ है। तो इस प्रकार आप लास्ट सवाल का यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन में आप एक जवाब दे सकते हैं। उसके बाद आपको जवाब देते ही आपका 100 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। पूरा होने के बाद आपको यहाँ सबसे ऊपर देखिए फिनिश टेस्ट,
फिनिश टेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका इस प्रकार का आपके डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। देखिए इस प्रकार का आपका लैपटॉप में आ जाएगा लास्ट में, जहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि आपने देखिए करेक्ट क्वेश्चन इतना बनाए हैं और इनकरेक्ट क्वेश्चन आपका इतना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है, और देखिए टाइम यहाँ आपका कितना देर में आप समाप्त किए एग्ज़ाम, वो यहाँ पर आपका टाइम दिखाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप रैप का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह का नए नए वीडियो आपके मिलते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें, सीखते रहें।